बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद है, आप देख रहे हैं टेक्निकल रहमानी। वेलकम टू माय चैनल। फाइनली दोस्तों, अब हुआवे ने भी अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन P40 और P40 Pro को ग्लोबली तौर पर लॉन्च कर दिया है। काफ़ी पहले लॉन्च होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस इसके लॉन्चिंग डेट को एक बार कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अब ग्लोबली तौर पर इसको लॉन्च कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मोबाइल फ़ोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस और साथ में ये भी ये पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में कब और किस प्राइस टैग में आने वाला है। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए लाइक तो कीजिएगा ही, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोबाइल के डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो आपको यहाँ पर 6.4 इंचेस का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। आमतौर पर जब भी आपने कोई सैमसंग का कर्व्ड डिस्प्ले देखा होगा तो वो लेफ्ट और राइट से कर्व्ड होता है, लेकिन इस मोबाइल फोन में आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यानी चारों साइडों से कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फ्रंट की जो लुक है वो बिल्कुल स्क्रीन देखने में लगती है। मोबाइल की जो बॉडी है वो कर्व डिस्प्ले के पीछे छुपी हुई है, इसलिए मोबाइल फोन देखने में काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर पिक्सल रेजोल्यूशन 1200x2640 की है और साथ में आपको HDR10 की भी सपोर्ट मिलने वाली है। यही नहीं, मोबाइल में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है। ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, यानी एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। दोस्तों, डिस्प्ले किसी भी मोबाइल फोन में बहुत अहमियत रखता है। अगर आप सैमसंग के किसी स्मार्टफोन को उठाकर देख लें, वहां पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत जबरदस्त देखने को मिलेगी। अब ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले बहुत ही टॉप का दिया गया है। एमोलेड डिस्प्ले होने के साथ साथ यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी 441 PPI की होने वाली है, तो बहुत ही जबरदस्त डिस्प्ले है। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस यानी चिपसेट की बात करें तो आपको यहाँ पर किरण 990 5G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 5G प्रोसेसर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ी देखने को मिलेगी। आप इस मोबाइल फोन पर मल्टीटास्किंग, पबजी, फोर्टनाइट या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी कोई भी हैवी गेम हाई ग्राफिक्स पर बासानी खेल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिम स्लॉट्स की बात करें तो आपको यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलने वाली है और इसके साथ मोबाइल पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में एक ही वेरिएंट में आने वाला है, यानी 8GB 256GB। यही नहीं, यहाँ पर आपको USF 3.1 की टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है, यानी जो डाटा ट्रांसफर स्पीड है काफी तेज होने वाली है। अब मोबाइल फोन के मेन पार्ट यानी कैमराज को डिस्कस कर लेते हैं। मैं जानता हूं आप कैमराज के बारे में जानने के लिए काफी बेचैन होंगे। तो मोबाइल के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है, जहां पर जो मेन सेंसर है दोस्तों वो 50 MP का, इसके साथ यहां पर आपको 40 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देखने को मिलेगा। 12 MP का टेलीफोटो लेंस है और इसके साथ एक 3D टाइम ऑफ लेंस भी लगाया गया जो कि आप ब्लर और बूके के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको 40 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल रहा है। ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें इतने हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलने वाला है। इवन अगर हम इसके कॉम्पिटिटर यानी सैमसंग की फ्लैगशिप डिवाइस S20 Plus की बात करें तो वहां पर भी हमें जस्ट 12 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिला है, यहाँ पर 40 MP का है। यानी यहाँ पर आप काफी अच्छे से एरिया कवर कर पाएंगे और काफी डिटेल से पिक्चर क्लिक कर पाएंगे अल्ट्रा वाइड मोड में। यही नहीं, यहाँ पर आपको 12 MP का टेलीफोटो लेंस भी मिल रहा है जो कि आपको 5x का हाइब्रिड जूम जबकि 50x का डिजिटल जूम भी प्रोवाइड करेगा। अब 50x का डिजिटल जूम है दोस्तों, देखना यह है कि ये 50x के डिजिटल जूम में कितनी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने इसके कॉम्पिटिटर यानी S20 प्लस का 30x तक का जूम भी देखा है, वहां पर क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी है। अब इस स्मार्टफोन में आपको 50x का डिजिटल जूम मिल रहा है, डिजिटल जूम तो काफी ज्यादा है, लेकिन देखना यह है कि यहाँ पर क्लैरिटी हमें किस हद तक देखने को मिलती है। अब इस मोबाइल फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट, स्लोमो तकरीबन सभी फीचर्स देखने को मिलेंगे। 4K की रिकॉर्डिंग है 60fps पर। इसके अलावा जो हुआवे ने मेंशन किया दोस्तों, वो लो लाइट मोड में वीडियो परफॉर्मेंस है। देखना ये है कि ये लो लाइट मोड में वो वीडियो परफॉर्मेंस दे सकता है जो कि हुआवे ने अपने लॉन्चिंग इवेंट में शो की थी। इसके साथ मोबाइल के फ्रंट की बात करें तो फ्रंट पर आपको ड्यूल पंच होल मिलने वाला है 32 MP की शक्ल में। अब पंच होल का जो साइज है वो दूसरे मोबाइल फोन की निस्बत काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त देखने को मिलेगी। मुझे हुआवे के कैमराज का रिजल्ट हमेशा से काफी ज्यादा पसंद आया है, लेकिन लॉन्च होने के बाद अगर आप ये मोबाइल फोन बाय करते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा इस मोबाइल फोन की कैमरा परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको EMUI 10.1.0 मिलने वाला है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 पर। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गूगल की सर्विसेज नहीं मिलने वाली। इस मोबाइल फोन में भी आपको Nova 7i की तरह HMS यानी कि हुआवे मोबाइल सर्विसेज मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको प्ले स्टोर नहीं बल्कि हुआवे की अपनी ऐप गैलरी देखने को मिलेगी, जहाँ पर काफ़ी सारी फेमस ऐप मौजूद भी हैं और कुछ ऐप्स मौजूद नहीं भी हैं। और अगर आप चाहें तो Y7P की तरह आप इन तमाम ऐप्स को
इवन कि आप प्ले स्टोर को भी थर्ड पार्टी के तौर पर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको इनकी इंस्टॉलेशन या फिर यूसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं Y7P पर ये तजुर्बा कर चुका हूँ। मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ फेस अनलॉक भी मिलने वाला है। अब मोबाइल फ़ोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पर आपकी बार साइज़ को थोड़ा सा बड़ा किया गया है, यानी गलती से अगर आपका थंब कहीं साइड पर भी एडजस्ट हो जाता है तो आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फ्लैगशिप डिवाइस है। मोबाइल के फेस अनलॉक की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर किया गया है, क्योंकि फ्रंट पर आपको पंच होल की शक्ल में IR कैमरा लेंस इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपके फेस को डिटेक्ट करके आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक करेगा। आमतौर पर दोस्तों सिंगल पंच होल वाले स्मार्टफोन्स में अगर हम फेस फीचर को इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्मार्टफोन आपकी पिक्चर से भी आपका मोबाइल फ़ोन अनलॉक कर देता है, और ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इस मोबाइल फ़ोन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर फेस सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर किया गया है। इसके साथ इस मोबाइल फ़ोन में आपको डस्ट रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस भी मिलती है। ये मोबाइल फ़ोन 1.5 मीटर की गहराई तक 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। आप मोबाइल फ़ोन की लास्ट में बैटरी को डिस्कस कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट 4200 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है। अगेन दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया 90Hz के रिफ्रेश रेट का मतलब है बैटरी की ज़्यादा कंजप्शन। अब यहाँ पर बैटरी की ज़्यादा कंजप्शन है और जस्ट 4200 mAh की बैटरी को लगाया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है। एटलीस्ट यहाँ पर दोस्तों 4600 mAh की बैटरी होनी चाहिए थी। इसके साथ दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन में आपको 40W की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंटिंग है, क्योंकि हुआवे के नए आने वाले स्मार्टफोन यानी हुआवे Nova 7i में भी हमें 40W की फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है। Nova 7i की प्राइस की बात करें तो वो 50,000 से 60,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। अब एक स्मार्टफोन जो 50,000 से 60,000 में लॉन्च हो रहा है, वहाँ पर भी हमें 40W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, और एक फ्लैगशिप डिवाइस जो कि 1.5 से 2 लाख में हमें मिलेगी, वहाँ पर भी जस्ट 40W की फास्ट चार्जिंग है, ये मन तक मुझे समझ नहीं आई है। इसके साथ इस मोबाइल फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी मिलने वाली है, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन को 27W की फास्ट चार्जिंग पर चार्ज करेगी। दोस्तों ये था हुआवे का फ्लैगशिप स्मार्टफोन P40 Pro। आपको स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक बात लॉन्चिंग डेट की, दोस्तों ग्लोबली तौर पर इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज़ में अभी भी कोरोना का जो सीन है काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। जैसे ही ये कोरोना का सीन थोड़ा सा कम होता है तो एक्सपेक्टेड है कि ये मोबाइल फ़ोन मई में पाकिस्तान और इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की है तो दोनों ही कंट्री यानी पाकिस्तान और इंडियन कंट्री की एक्सपेक्टेड प्राइस कमेंट सेक्शन में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या आप इस मोबाइल फ़ोन को विदाउट गूगल सर्चेस के साथ बाय करेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर आने वाले न्यू मोबाइल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।